वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। आज हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक के चैप्टर 5 को रीड करने वाले हैं, दैट इज़ द राइनोसॉरस एंड क्रम्स ऑफ केक। एंड व्हेन यू विल गो थ्रू द स्टोरी यू विल डेफिनेटली फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। ये स्टोरी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने वाली है। तो आप सबने राइनोसॉरस देखे होंगे और ये भी देखा होगा कि उनके ऊपर बहुत बड़े फोल्ड होते हैं उनकी स्किन पे, ना ऐसे लगता है मुड़ी मुड़ी है। तो वो कैसे आया, ठीक है। इसके साथ साथ राइनोसॉरस बहुत ही बैड टेम्पर्ड होता है, तो उसका एक्चुअली हुआ क्या था वो हम यहाँ पर स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ पारसी ऑन एन अनइनहैबिटेटेड आइलैंड सिचुएटेड ऑन द सोर्स ऑफ द रेड सी। तो एक बार की बात है कि एक पारसी जो है वो ऐसे आइलैंड पर रहता था जहाँ पर कोई और लोग नहीं रहते थे, एंड ये कहाँ पर था, सोर्स ऑफ द रेड सी, रेड सी के बैंक पर, शोर पर था, ठीक है। द हेड ऑफ द मैन वॉज सो शाइनी डेट द रेज ऑफ द सन ऑलवेज रिफ्लेक्ट फ्रॉम हिज हेड। और वो पारसी जो था वो एक ऐसा हेड पहनता था जो कि बहुत ही चमकीला था, इतना चमकीला कि सन की रेज जब उस पर पड़ती थी तो वो उसे रिफ्लेक्ट करती थी, उससे टकरा करके वापस ही बहुत चमकदार बन जाती थी। द पारसी लिव्ड बाय द रेड सी ओनली विद अ नाइफ एंड अ कुकिंग स्टोव। द नाइफ एंड द स्टोव वर वेरी लार्ज। और वो जो पारसी था उसके पास सिर्फ दो चीज़ें थी, एक तो उसके पास एक नाइफ थी और एक था कुकिंग स्टोव, खाना बनाने के लिए एक बड़ा सा स्टोव, और दोनों ही, नाइफ भी बहुत बड़ी थी और स्टोव भी बहुत बड़ा था। सो वन डे ही टुक फ्लोर वाटर करंट प्लम्स सुगर एंड अदर थिंग्स एंड मेड हिमसेल्फ वन केक। तो एक दिन उसने सब सामान इकट्ठा किया जो केक बनाने में लगते हैं, तो उसने फ्लोर लिया मीन्स आटा लिया, वाटर लिया, करंट्स जो होते हैं वो ड्राइड ग्रेप्स जिसे हम किसमिस कहते हैं ना वो लिए, प्लम्स लिए, सुगर लिया, और जो भी चीज़ें केक बनाने के लिए लगती है उसने ली और अपने लिए एक केक बनाया विच वॉज 2 feet अक्रॉस एंड 3 feet थिक, जो कि 2 feet बड़ा था और ऊंचाई इसकी कितनी थी, 3 feet थी। 3 feet मतलब आप कितना, जितना एक छोटा बच्चा होता है उतना बड़ा केक उसने बनाया। इट वॉज रियली मैजिकल एंड ही पुट इट इन द स्टोव बिकॉज ही वॉज सपोज टू कुक ऑन दैट स्टोव एंड ही बेक्ड इट टिल इट वॉज ऑल डन ब्राउन एंड स्मेल्ड मोस्ट डिलेक्टेबल। तो उसने क्या किया, जब ये केक उसने सब कुछ मिक्स कर लिया, अब उसने क्या किया, केक को स्टोव पर रखा, क्योंकि उसके पास तो स्टोव ही था कुछ भी कुक करने के लिए, बेक करने के लिए, ठीक है। तो उसी स्टोव पे उसे बेक करना था, और वो जो है जब पक गया मींस बेक हो गया फुली केक, तो बहुत ही ब्राउन था वो, उसकी स्मेल बहुत ही टेस्टी आ रही है थी ना, ऐसे लग रहा था कि बस को जब अब क्या करना है, खा लेना चाहिए। नाउ इट वॉज द टाइम टू ईट द केक, और अब क्योंकि केक बेक हो चुका था तो टाइम था कि उसे खा लिया जाए। बट एज ही वॉज गोइंग टू ईट इट देयर केम डाउन अ राइनोसॉरस टू द बीच। पर वो जब खाने ही वाला था तभी एक बड़ा सा राइनोसॉरस जो है वो बीच पर आ गया। द राइनोसॉरस हैड अ हॉर्न ऑन हिज नोज, 2 piggy आईज एंड फ्यू मैनर्स। तो वो जो राइनोसॉरस था उसकी नोज़ के ऊपर एक बड़ा सा ऑन था, सींग उगा हुआ था, उसकी 2 piggy आईज थी और उसके कुछ मैनर्स थे, मैनर्स मीन्स उसके जो एटीट्यूड था वो फुल ऑफ मैनर था। इन दोज डेज द राइनोसॉरस स्किन फिटेड हिम क्वाइट टफ, इट हैड नो रिंकल्स एनीवेयर ऑन हिज बॉडी। और इस समय पे जबकि ये इंसिडेंट है तो राइनोसॉरस की स्किन उनको एकदम फिट होती थी अच्छे से, यानी उसकी जो स्किन थी वो फोल्ड वाली नहीं थी, ओके, और उसकी बॉडी एकदम रिंकल फ्री थी। ही लुक्ड एग्जैक्टली लाइक नील्स आर्ट राइनोसॉरस, बट ऑफ कोर्स इट इज़ मच
बिगर। तो ये नील्स आर्ट पे जो राइनोसॉरस बिना किसी फोल्ड का होता है उसकी तरह था, लेकिन साइज बस उसका काफ़ी बड़ा हुआ करता था। फिर इसके बाद क्या हुआ, लेट्स सी। द राइनोसॉरस सा द पारसी एंड ग्रंटेड एट हिम। तो जैसे ही राइनोसॉरस ने उस पारसी को देखा, उसकी तरफ ग्रंट किया, ठीक है। सॉरी। द पारसी लेफ्ट द केक एंड क्लाइम टू द टॉप ऑफ अ पाम ट्री विद नथिंग ऑन बट हिज हेड फ्रॉम विच द रेज ऑफ द सन ऑलवेज रिफ्लेक्टेड। तो पारसी जो है, जैसे राइनोसॉरस ने ग्रंट किया, गुर्राया, तो वो पारसी ने केक छोड़ा और वो पाम ट्री के ऊपर चढ़ गया। उसके पास कुछ नहीं था, सिर्फ उसके सर पे वो हैट था जो कि सन रेज को रिफ्लेक्ट करता था। द राइनोसॉरस अपसेट द ऑयल स्टोव विद हिज नोज एंड केक रोल्ड ऑन द सैंड एंड ही स्पाइक्ड दैट विद द ऑन्स ऑफ हिज नोज एंड ही एट इट एंड वेंट अवे वॉगिंग हिज टेल टू द डिसोलेटेड आइलैंड्स। तो राइनोसॉरस ने क्या किया, वहाँ आकर के सब कुछ बिगाड़ दिया। उसने ऑयल स्टोव को जो है वो अपसेट किया, उसके बाद वो केक जो था उसको अपनी नोज से रोल कर करके सैंड पर वो घुमा घुमा के, जैसे पहिए को रोल करते उस तरह से ले गया, ठीक है। और उसने क्या किया, फाइनली उस केक को खा लिया और अपनी टेल को वैक करते हुए वो वहाँ से चल गया, अपनी पूंछ को हिलाते हुए वहाँ से चला गया। सीइंग द राइनोसॉरस गोइंग अवे द पारसी हीव्ड अ साय ऑफ रिलीफ। तो जब पारसी ने देखा कि राइनोसॉरस वहाँ से चला गया है, तो उसको थोड़ा सा रिलीफ मिला, राहत मिली कि चलो मुझे जो राइनोसॉरस है वो मार नहीं पाएगा, मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा। देन द पारसी केम डाउन फ्रॉम द पाम ट्री एंड पुट द स्टोव इन इट्स लेग एंड रिसाइटेड द फॉलोइंग वर्स। तो पारसी जो है वो नीचे आया पाम ट्री से, फिर उसने अपने स्टोव को सही किया जिसे अपसेट करके चला गया था, बिगाड़ करके चला गया था राइनोसॉरस, और उसने एक वर्स गाया, एक सॉन्ग गाया, छोटी सी पोएम गाई। क्या गाई, देयर दैट टेक्स केक्स विच द पारसी मैन बेक्स मेक्स ड्रेडफुल मिस्टेक्स। तो उसने कहा कि अरे वो केक ले गया, कौन सा केक ले गया, जिसे पारसी ने बेक किया था, और ये तो उसकी बड़ी ही मिस्टेक है। ओके, आफ्टर अ मंथ द रेड सी हैड अ हीट वेव। तो अब एक महीना जब निकला इस इंसिडेंट के बाद, तो रेड सी में हीट वेव्स, गरम गरम हवाएं चलने लगी। देयरफोर एवरीबॉडी हैड टू टेक ऑफ ऑल द क्लोथ्स दे हैड। और इतनी गर्मी थी कि लोगों को जो कपड़े पहने हुए थे उन्होंने वो क्या किए, पुट ऑफ किए, ताकि गर्मी थोड़ा कम लगे। और लाइट क्लोथ्स, जब गर्मी लगती है तो हम लाइट क्लोथ्स पहनते हैं ना, तो वहाँ इतनी हीट वेव थी कि लोगों को जो नॉर्मल कपड़े हैं वो नहीं पहन पा रहे थे। द पारसी हैड ऑल्सो टू टेक ऑफ हिज हैट। और वो जो पारसी था उसके पास जो ब्राइट शाइनिंग हैट था वो भी उसे कंफर्टेबल नहीं फील हो रहा था, तो उसे भी उसे निकालना पड़ा। द राइनोसॉरस टुक ऑफ हिज स्किन एंड कैरीड इट ओवर हिज शोल्डर एज ही केम डाउन टू द बीच टू बेथ। और उस टाइम जो राइनोसॉरस थी उसकी स्किन निकाली जा सकती थी, तो उसने क्या किया, अपनी स्किन को निकाला और अपने कंधे पे लटका करके वो बीच पर पहुंच गया। ओके, जैसे आप लोग जब कोट्स पहनते हैं या ब्लेजर्स पहनते हैं तो गर्मी होती है तो क्या करते हैं, उतार के उसे अपने कंधे पर टांग लेते हैं, ऐसे ही राइनोसॉरस ने अपनी स्किन को कंधे पर टांग लिया और कहाँ पहुँच गया, बीच पर गया, ताकि वो नहा सके और वहाँ पर उसको थोड़ा कंफर्टेबल फील हो, गर्मी से थोड़ी सी उसे राहत मिले। इन दोज डेज इट बटन्ड अंडर प्रूफ। और उन दिनों पर इसकी स्किन जो होती थी वो जैसे हमारे शर्ट्स में बटन होते थे, वैसे ही राइनोसॉरस की स्किन में बटन लगे हुए थे। ही सेड नथिंग अबाउट द पारसीज केक बिकॉज ही हैड ईटन इट ऑल। और उसने क्या है कि पारसी के केक के बारे में बात ही नहीं की, क्योंकि भले ही वो इतना बड़ा केक था लेकिन सारा का सारा केक उस राइनोसॉरस ने खा लिया था। ही नेवर हैड एनी मैनर देन
सिंस और हैंसफोर्थवर्ड। और उसके मैनर्स कभी भी अच्छे वाले तो थे नहीं, और उसने इसीलिए कुछ उसको ग्रैटिट्यूड भी सो नहीं किया। ही वॉडल्ड स्ट्रेट इन टू द वॉटर एंड बिलो बबल्स थ्रो हिज नोज लीविंग हिज स्किन ऑन द बीच। तो मैंने बताया आपको कि राइनोसोरस की स्किन पे बटन होते थे, है ना, तो इसीलिए उसने अपने कंधे पे टांग रखी थी, तो उस स्किन को उसने बीच जो था उस पे छोड़ा और वो सी में नहाने के लिए, पानी में नहाने के लिए उतर गया, और वो अपनी नोज से बबल वहाँ पर बना रहा था, और उसकी स्किन कहाँ थी, बीच पर पड़ी हुई थी। व्हेन पार्सी केम देयर ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द स्किन ऑफ राइनोसोरस। तो अब जब पारसी आया वहाँ पर, उसने देखा कि स्किन ऑफ राइनोसोरस पड़ी हुई है, तो उसे बड़ी खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि अभी आपको पता चलेगा, हाँ, कि उसने तो केक खा लिया था तो वो गुस्सा था, बट स्किन को देख करके उसे काफ़ी खुशी हुई। ही डांस थ्री टाइम्स राउंड द स्किन एंड रब्ड हिज हैंड्स। वो इतना खुश हुआ कि वो स्किन के चारों तरफ उसने तीन राउंड लेकर के झूम झूम के डांस किया। देन ही वेंट टू हिज कैंप एंड फिल्ड द हैट विद द क्रम्स ऑफ द केक। तो वो जो केक उसने बनाया था 1 month पहले, उसके क्रम्स, उसके छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए थे, वो गया अपने कैंप में और वहाँ से हैट में उन टुकड़ों को भर करके ले करके आ गया। द पारसी नेवर ईट एनी थिंग बट केक एंड नेवर स्वेप्ट आउट हिज कैंप। और वो टुकड़े तो पड़े हुए थे, इसके अलावा पारसी हमेशा सिर्फ और सिर्फ केक खाता था और झाड़ू अभी कभी भी अपने कमरे में लगाता ही नहीं था, तो दैट्स वाई उसके पास में बहुत सारे क्रम्स थे, ठीक है। और वो क्रम्स क्या होता है, जब पड़े रहते हैं तो सूख जाते हैं, ठीक है। ही टुक द स्किन एंड शुक द स्किन एंड ही स्क्रब द स्किन एंड ही रब द स्किन। अब क्योंकि वो इतना छोटा था राइनोसोरस के सामने कि राइनोसोरस को तो कुछ कर नहीं सकता था, उसने अपना सारा गुस्सा स्किन पे निकाला। उसने स्किन को क्या किया, हिलाया, उसने स्क्रब किया, उसे रब किया, है ना। एंड जस्ट एज फुल ऑफ ओल्ड ड्राई स्टेल टिकली केक क्रम्ब एंड सम बर्नड करंट एज एवर इट कुड पॉसिबल होल्ड। तो उसने उसके बाद किया, वो क्या किया कि उस में जो हैट में भर करके क्रम्स लेकर के आया था, जो कि ड्राई थे, स्टेल यानी बासी हो चुके थे, ठीक है, और साथ ही साथ वो जो करंट्स सूख चुके थे क्योंकि वो काफ़ी पुराने थे, है ना, तो उन सबको क्या किया, उस स्किन की तरह अंदर डाल करके उन्हें एकदम वहाँ पर फिट कर दिया। देन ही क्लाइम्ड अप टू द टॉप ऑफ द पाम ट्री। और उसके बाद वो वापस कहाँ चढ़ गया, पाम ट्री पर चढ़ गया। उसने ये सब तब किया था जबकि राइनोसोरस पानी के अंदर था। एंड वेटेड फॉर राइनोसोरस टू कम आउट ऑफ वाटर। फिर वो इंतज़ार करने लगा कि राइनोसोरस पानी से बाहर निकल करके आए। सून द राइनोसोरस केम आउट ऑफ वाटर। तो अब जो राइनो था वो पानी से बाहर आया। ही बटनड इट अप विद द थ्री बटन्स एंड टिकल्ड लाइक केक क्रम्स इन बैड। अब उसने क्या किया, अपनी स्किन को वापस बटन अप कर लिया, शर्ट की तरह पहन लिया, क्योंकि अब उसे अच्छा फील हो रहा था। लेकिन जैसे ही उसने पहना तो वो केक क्रम्स जो थे वो उसे टिकल करने लगे, गुदगुदी फील होने लगी, क्योंकि केक क्रम्स जो थे उसकी शर्ट में फंसे हुए थे, सॉरी उसके स्किन में फटे हुए थे, और वो एकदम फिट थी तो उसे टिकलिंग फील हो रही थी वहाँ पर, जैसे कि किसी ने उसे केक क्रम के बेड पर बिठा दिया हो, लिटा दिया हो। देन ही वॉन्टेड टू स्क्रैच बट दैट मेड इट वर्स एंड देन ही ले डाउन ऑन द सैंड एंड रोल्ड एंड रोल्ड एंड एवरी टाइम ही रोल्ड द केक क्रम्स टिकल्ड हिम वर्स एंड वर्स। तो अब मुझे और भी ज़्यादा ज़्यादा जोर से गुदगुदी हो रही थी और क्या किया, उसने लग रहा था कि काश मैं स्क्रैच करूं, खुजला लूं, तो जितना भी वो स्क्रैच करता उससे टिकलिंग और ज़्यादा फील होती। फिर उसने क्या किया, उसने सैंड पर रोल रोल करना स्टार्ट किया, ना उसने सैंड पर लेट करके गोल गोल घूमना स्टार्ट कर दिया, और क्या हुआ, जितना ही वो रोल करता उतने ही उसको टिकलिंग और भी ज़्यादा फील होती, और भी ज़्यादा
चुभन जो थी वो फील होने लगी थी. ही वॉज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड वॉट हैड हैपन्ड विथ हिम. उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है, आखिर हुआ क्या है कि उसे इतनी ज़्यादा टिकलिंग. तो उसकी टिकलिंग जो थी वो वर्स होती जा रही थी, अब उसे चुभने लगी थी, है ना. देन ही रन टू द पाम ट्री एंड रब्ड हिमसेल्फ अगेंस्ट इट. अब फिर वो पाम ट्री पर गया और वहाँ जाकर के अपने आप को रब करने लगा. रब करना मीन्स रगड़ना. ही रब्ड सो मच एंड सो हार्ड दैट ही रब्ड हिज स्किन इनटू ग्रेट फोल्ड ओवर हिज शोल्डर एंड अनदर फोल्ड अंडरनीथ वेयर द बटन मेड सम मोर फोल्ड ओवर हिज लेग्स. तो अब धीरे धीरे उसने इतना रब किया, इतना जोर जोर से और इतना ज़्यादा रब किया कि उसको एक अपने शोल्डर के एक कंधे के पास उसको फोल्ड बन गया, एक अंडरनीथ एक नीचे फोल्ड बन गया जहाँ पर बटन्स थे, कुछ एक फोल्ड उसके लेग्स पर पड़ गए. और ये किस लिए थे कि उसने रबिंग बहुत ज़्यादा की थी. एंड इट स्पॉइल्ड हिज टेम्पर बट इट डिड नॉट मेक लीस डिफरेंस टू द केक क्रम. और अब उसका टेम्पर जो है वो बढ़ता जा रहा था, लेकिन टेम्पर बढ़ने से तो कुछ होने ही वाला नहीं था, केक क्रम्स तो अंदर से हटने ही वाले नहीं थे. द क्रम्स वर इन साइड हिज स्किन एंड दे टिकल्ड. और उसको अभी भी जो है वो चुभन हो रही थी क्योंकि केक क्रम्स उसकी स्किन में अभी भी फंसे हुए थे ना, उन उसकी स्किन के अंदर थे. सो ही वेंट होम वेरी एंग्री इनडीड एंड हॉरिबली स्क्रैची. अब उसे गुस्सा जो है वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था, तो उसी गुस्से के साथ वो घर गया और स्क्रैची फील हो रहा था कि काश मैं कितना खुजला लूँ अपने आप को. फ्रॉम द डे ऑनवर्ड्स एवरी राइनोसोरस हैज ग्रेट फोल्ड ऑन हिज स्किन एंड अ वेट टेम्पर. सो यही रीज़न है कि हर एक राइनोसोरस जो होता है उसकी स्किन पे बड़े बड़े फोल्ड होते हैं और उसको हमेशा गुस्सा आता रहता है ना. तो यू मस्ट नो दैट कि ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लेकिन ये रियल स्टोरी नहीं है, है ना. ये एक बनाई हुई स्टोरी है, बट आई थिंक यू मस्ट हैव एन्जॉयड इट. तो अभी आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क इज़ टू फाइंड द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड द ट्रू एंड फॉल्स एट पेज नंबर 34. और जो भी वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं 10 वर्ड्स भी आपको अपनी होम अपनी नोटबुक में राइट करना है. ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. हैव अ नाइस डे. गुड बाय.